सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। निंदा रस इससे बचना चाहिए, ये बहुत ही हानिकारक है। इससे छवि प्रतिभा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। सच्ची खुशी तो बांटने में ही मिलती है, चाहे जीत हो या विचार। जो व्यक्ति अपनी क्षमता शक्ति और प्रतिभा को पहचानता है उसे अपने लक्ष्य को पाने में दिक्कतों का सामना कम करना पड़ता है। चिंतन करो, चिंता नहीं। आज का पंचांग 13 जून 2023 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, सुबह 9:29 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र दोपहर 1:32 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:42 से 5:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर दोपहर 1:32 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 13 जून 2023 दिन मंगलवार। आज आप घर और ऑफिस दोनों स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपका यह अनुभव मजेदार रहेगा और आप इससे प्रेरित भी होंगे। हालांकि अपनी निजी बातें किसी के साथ भी ना बांटें और कोई भी कड़वा पाठ सीखने के लिए भी खुद को तैयार रखें। अपना ध्यान एक महत्वपूर्ण खरीदारी या सौदे पर रखें। अपने करीबी साथी से सलाह लें, प्रभावी बातचीत करें और संचार के सभी साधन जैसे कि मैसेज, ईमेल, फोन और इशारों का भी प्रयोग करेंगे। मरम्मत के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ सकता है। आज सामाजिक कामों के लिए समय निकालें। किसी बड़ी परियोजना या व्यावसायिक प्रस्ताव की योजना को अंतिम रूप देने से बचें। व्यस्त दिन में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अच्छा, आपके लिए वित्तीय मामले ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। पहले से ही योजना बनाना न केवल सफलता की नींव रखता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। सेहत की तरफ जरा ज्यादा गौर करने की जरूरत है। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकती हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगी, जो आपके लिए खास है। आज के इस खूबसूरत दिन प्रेम संबंध में आपकी सभी शिकायतें गायब हो जाएगी। आज ऐसी कई सारी चीजें होगी जिसकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता है। आपका जीवन साथी आपको प्यार का एहसास देना चाहता है, उसकी मदद करें। आज आपके मन में उदासी रहेगी और आप नहीं जान पाएंगे कि इसका कारण क्या है। आज आपकी कोई महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उससे जुड़ी तैयारी कर लें। यात्रा सफल रहेगी, थोड़ा समय आत्मा अवलोकन में भी बिताएं। आपको कई उलझनों का समाधान मिलेगा। पुरानी गलतियों की वजह से दिक्कतें हो सकती है। विचारों को सुधारने के लिए मेडिटेशन करें। पैसों का लेन देन करते समय गलत व्यक्ति के साथ व्यवहार ना करें, इस बात का ध्यान रखना होगा। पुराने उधार को तुरंत चुकाने की कोशिश करें। परिवार के किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। करियर के उतार चढ़ाव जल्दी दूर होंगे और आपको स्थिरता मिलेगी। लव रिलेशनशिप की वजह से जो तकलीफ हो रही है उसे दूर करने का रास्ता भी मिलेगा। सेहत ठीक भी रहेगी। आपके प्रयास सफल होंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप एक नई साझेदारी कर सकते हैं। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप कुछ महत्वपूर्ण कनेक्शन स्थापित कर पाएंगे। आपकी कार्यशैली की सराहना की जाएगी। आज योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है और यह आपको लाभदायक परिणाम दे पाएगी। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अपने कार्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए उचित प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। सावधानियां, इनकम और खर्च में संतुलन रखना होगा। मेहमानों के आने से खर्चा बढ़ सकता है। समय के हिसाब से अपने स्वभाव और रूटीन में भी बदलाव करें। युवा लोग काम पर पूरा ध्यान दें। लापरवाही और आलस पर काबू रखें।
बात करते हैं लव लाइफ की। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, फालतू प्रेम संबंधों से अपना ध्यान हटाएं। आज आप थोड़े चिड़चिड़ी मुद्रा में रहेंगे और हो सकता है आप अपनी भड़ास अपने साथी पर निकालें। आपको इस चीज का एहसास होगा कि आज का व्यवहार सुनिश्चित था, पर आपके लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उस दोस्त को ना मठें जिसमें आपके साथी का कोई कसूर नहीं है। अपने व्यवहार को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं तो कुछ समय के लिए अपनी साथी से दूर हो जाएं, नहीं तो आपके रिश्ते का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आपके साथी या करीबी मित्र इस समय आप पर पूरी तरह से मेहरबान हैं। कुछ रोमांटिक और अंतरंग छड़ों के लिए तैयार हो जाएं। इन दूरियों को कम करने के लिए आपको स्वयं कुछ प्रयास करने चाहिए। दिल के मामलों में सोच समझ कर नहीं बल्कि प्यार और कोमलता से आगे बढ़ें। आज के दिन आपके लिए अच्छा है क्योंकि आज आप जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे। अब आप जिंदगी में बड़ी योजनाएं बनाने और रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। यही नहीं, आप लव लाइफ के लिए भी कुछ बड़ा विचार करेंगे। याद रखें, रिश्ता वही सफल है जिसमें दोनों के बीच में स्पष्ट और सच्ची बातचीत हो। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपके लंबे समय से रुके हुए सारे काम पूरे होंगे, फिर वो चाहे कानूनी समझौते हो या शुभ कार्य। योजना बनाना और प्रियजनों की सलाह लेना ना छोड़ें, क्योंकि उम्मीद और सहयोग दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आर्थिक लाभ आज आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। अपने आप के बारे में जानना आपकी आज प्राथमिकता रहेगी। कुछ समय सामाजिक कार्यों में भी बिताएं। महीने के अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी योजनाओं की शुरुआत सोच समझ कर करें। भविष्य के बारे में पहले से ही सोचना जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल को उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन कोशिशों के बावजूद आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। पार्टनरशिप संबंधित बिजनेस में उलझने रहेगी, हालांकि आप हर स्थिति का हल निकाल लेंगे। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे भी जल्द ही हासिल होंगे। बात करते हैं सेहत की। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।